इस टाइम हम निकल रहे हैं होटल के बाहर और अभी हम जा रहे हैं कोलंबो देखने। नहीं ना आई थिंक आपको मेरे पीछे का एरिया दिख रहा होगा क्लियर। ये जो पूरा एरिया है ये दिल्ली के कनॉट प्लेस जैसा है, कुछ कुछ काफी डिफरेंट है। तो आज है क्रिसमस और दिन के टाइम पे सारी डेकोरेशन कुछ इस तरह से दिख रही है आज पीछे। मेरे पीछे जस्ट काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये पूरा पॉश एरिया है यहाँ का। हम लोग अब जा रहे हैं कोलंबो साइट सीइंग के लिए और मैंने ये इस तरह का एक लॉन्ग ड्रेस डाला है और इसने भी छोटू ने भी एक जंप सूट पहना हुआ है। इस टाइम हम लोग इस टाइम ब्रेकफास्ट करके निकले हैं, हैवी ब्रेकफास्ट किया है हमने, जैसे हमें बार बार बीच में ना रुकना पड़े। लेकिन अभी हम लंच के लिए एक छोटा सा ब्रेक जरूर लेंगे क्योंकि बच्चे एक साथ पूरा खाते नहीं है प्रॉपर। तो मैं आपको एक बार कोलंबो का एक लुक दिखा देती हूँ। इस टाइम बहुत है धूप, ये है मेरे गॉगल्स और ये है मेरी हैट। अब हम कोलंबो में आगे बढ़ रहे हैं, उसी के साथ साथ साइट सीन्स भी शुरू हो रहे हैं। तो जो आपको सामने एक पतली लंबी सी एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये है लोटस टावर। अभी ये कंप्लीट नहीं है और पूरा अभी वर्क इस पर अभी भी चल रहा है, जो इस पर बीच में गोल सा कुछ बनाया है, ये कुछ लोटस की तरह है और ये एक बहुत ही लंबी टावर बनाई गई है। अब जो व्हाइट कलर की आपको जो बिल्डिंग नजर आ रही है वो है म्यूजियम। ये है एयरफोर्स ऑफिस, आर्मी ऑफिस, श्रीलंका। ये लेदर बॉल है, ये आपको शायद नजर आई हो अभी, एक बड़ी लेदर बॉल लगाई गई है जो ऐसे ही चलते हुए रास्ते में पड़ती है तो लोग टूरिस्ट उसको देखते हैं। कोलंबो एक्चुअल में काफ़ी क्लीन सिटी है और बहुत ही अच्छे रोड के रूल्स एंड रेगुलेशन है। क्रिसमस पर बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन हो रखी है पूरी तरफ। और अब हम पहुंच गए हैं एक टेम्पल, ये यहाँ का बहुत ही फेमस टेम्पल है, इसका नाम है गंगा रमैया बुद्धिस्ट टेम्पल। अभी इस टेम्पल को मैं आपको अंदर से भी अच्छे से दिखाऊंगी। ये टेम्पल होने के साथ साथ ही म्यूज़ियम भी है। ये बहुत बड़ा है और काफ़ी सुंदर है। ये भगवान गौतम बुद्ध के याद में बना हुआ टेंपल है। मैं पहुंच चुकी हूँ गंगा रमैया मंदिर में और अब बस उसके लिए मैं एंट्री लेने वाली हूँ अंदर। तो
चलिए फिर अंदर चलते हैं और देखते जाते हैं। इसकी बहुत ही अच्छी नक्काशी है, जगह जगह पर एक एक कदम पर बहुत ही अच्छे स्टैचू हैं। आपको यहाँ पर जगह जगह पतली पतली गैलरीज नज़र आएंगी जिसमें कई सारा सामान रखा हुआ है। तो ये एक छोटा सा म्यूज़ियम टाइप का भी है जिसमें कि जो डिवोटी होते हैं वो अपना कोई भी सामान छोड़ जाते हैं तो उसको यहाँ पर लगाया जाता है। जैसे आपको कई जगह एक सी मूर्तियाँ नज़र आएंगी, कई जगह कैमराज नज़र आएंगे, उसमें आपको बहुत वैरायटी दिखाई देगी सभी चीज़ों की। और ये बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर जगह जगह पर बहुत सारा म्यूजियम है। अब मंदिर के बाहर आने के बाद हम लोग इधर आए हैं बिहार महादेवी पार्क। ये भी पूरा बहुत बड़ा पार्क है लेकिन हम कल एक पार्क में काफ़ी देर टाइम स्पेंड कर चुके हैं तो अब हम यहाँ पर ज़्यादा देर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे और आगे चलेंगे। तो हम आगे बढ़ लिए हैं और इसी के जस्ट सामने आपको कुछ आर्ट नज़र आ रही होगी आई थिंक थोड़ी सी। ये यहाँ की श्रीलंकन आर्ट है फेमस, क्योंकि इसी के जस्ट आगे है आर्ट गैलरी, फ्लावर आर्ट गैलरी ऑफ श्रीलंका। इसकी शेप काफ़ी तक फ्लावर की तरह है इस आर्ट गैलरी की।
ये हम म्यूज़ियम वाले रोड से फिर से वापस निकल रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कोलंबो। हम लोग लंच के लिए आए हैं आगरा रेस्टोरेंट में, आगरा आई थिंक उल्टा दिख रहा है, और यहाँ पर एक मथुरा रेस्टोरेंट भी है, तो इट्स लिटिल ऑकवर्ड कि हम लोग श्रीलंका आकर आगरा रेस्टोरेंट में आए हैं। आपको दिखा एकदम मुगल स्टाइल में बना हुआ है ये रेस्टोरेंट। काफ़ी अंधेरा कर रखा है यहाँ पर और कैंडल लाइट जला रखी है। बीच में कुछ मुगल स्टाइल में सर से एक छोटा सा पानी का, और ये है यहाँ का सिटिंग सिस्टम। हमारा लंच आ गया है, तो पहले मैं करूँगी लंच और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ बिरयानी है, वेज रायता है, छोला है, और इसमें रुमाली रोटी भी है। ये है प्लेट। आगे निकल लिए यहाँ से, और हमारे गाइड भी अंदर है जो हमें साथ पर दिखाई दे रही है। यहाँ का क्रिकेट पार्क है। अभी आपको ये दो बिल्डिंग नज़र आई, ये वाली जो बिल्डिंग है ये है म्यूज़ियम की बिल्डिंग, और उससे जस्ट पहले जो थी वो थी म्यूनसिपाल्टी बिल्डिंग। दोनों ही बिल्कुल वाइट वाइट बिल्डिंग है, तो काफ़ी तक सेम दिखती हैं। अब हम इसी रोड से होते हुए निकलेंगे, क्योंकि जो श्रीलंका के रोड्स हैं वो सारे के सारे बन हुए हैं, कहीं भी कोई ट्रैफिक जाम होने की दिक्कत कम होती है। अब हम पहुंच गए हैं ग्लिड्स में, ये यहाँ का लोकल शॉपिंग सेंटर है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ शॉपिंग करेंगे। ये 3 फ्लोर का है। इस टाइम हम जा रहे हैं गोल्फिश, तो गोल्फिश कुछ कुछ बम्बई के मरीन ड्राइव जैसा है, लेकिन वो काफ़ी डिफरेंट है। और तो बस हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, मैं आपको दिखाती हूँ उसके बाद। इसके आगे हम जा रहे हैं गोल्फिश ग्रीन। यहाँ चारों तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग हो रही है, पूरे शहर में क्रिसमस बहुत ही अच्छे से मनाया जा रहा है, बहुत ही रौनक है, बहुत सुंदर हो रहा है सब तरफ। और हम लोग चल दिए हैं शाम के टाइम बीच के किनारे। बीच के किनारे बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगता है, तो हमें बस अब रोड क्रॉस करनी है और हम पहुंच गए हैं। तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। यहाँ पे हमारे यहाँ की तरह बीच के किनारे बहुत सारे छोटे छोटे बैंडर हैं, तो आपको इधर नजर आएंगे कई सारे गुब्बारे वाले, आइसक्रीम, चाट पकौड़ी के ठेले, मतलब वैसे वाले चाट पकौड़ी नहीं जो हमारे मिलते हैं, लेकिन यहाँ छोला और इस तरह का कुछ कुछ तो बिक रहा है। यहाँ पे भी
झूले भी हैं यहाँ पर बच्चों के लिए कई सारे। तो ये है गोल्फ फेस और यहाँ पर चलिए बहुत ज्यादा हवा इस टाइम, बहुत अच्छा लग रहा है बीच के किनारे पे और ये बहुत ही हैपनिंग हो रहा है पीछे से। आज क्रिसमस भी है तो मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। पूरा का पूरा कोलंबो इतना अच्छा डेकोरेट हो रखा है इस टाइम, इतनी अच्छी लाइटिंग हो रखी है सब तरफ, बहुत ही अच्छा हो रखा है। तो अभी काफी टाइम हो गया है और शाम भी हो गई है तो ये हमारा आज का फाइनल साइट सीन है और इसके बाद हम लोग आगे निकल जाएंगे कोलंबो। इसी के साथ एक बार आपको दिखाते हुए ही कैसा लग रहा है आज का वीडियो। ओके बाय बाय एंड प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा कि कैसा लगा और लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है।